ये 9 साल के सफर में जो आप सब लोगों ने आज हमारा साथ दिया, आज पूरे हिंदुस्तान का अगर हम दिल जीतने में कामयाब हुए इस 9 साल के सफर में, तो अपने कर्मों से, अच्छे कर्मों से, इंसानियत से, नेक नियत से, ना कि लालच से। लालच से इंसान ज्यादा दिन तक जुड़ा हुआ नहीं रह सकता। तो मैं यही कहूंगा, इस मुहिम में आप हमारे साथ हैं, इस मिशन में आप हमारे साथ हैं, ये साथ बना के रखना, ये प्यार बना के रखना। हम हर दिन कोशिश करेंगे आपके लिए कुछ अच्छा लाने की, अच्छे से अच्छे, बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट लाने की। आप भी समझते हैं कि समाज के अंदर हम थोड़ा अलग हटके काम कर रहे हैं, आप भी समझते हैं हमें ऑब्जेक्शन ज्यादा मिलेगा। जहां पर सिर्फ कड़वाहट होती है, जहां पर सच्चाई होती है, वहां तरक्की में तकलीफ आती है, वहां ऑब्जेक्शन ज्यादा आते हैं, वहां लोग हमारे खिलाफ ज्यादा खड़े होते हैं, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं ना, वो थोड़ा सा इस दुनिया से अलग है। दुनिया लालच पे काम कर रही है, इंसानियत पे काम कोई नहीं करता। दुनिया को बेचकर कमा रही है, कोई जहर बेच रहा है, कोई मिलावटी दूध बेच रहा है, कोई मिलावटी पनीर बेच रहा है, कोई नकली दवाइयां बेच रहा है, कोई नकली मसाले बेच रहा है, कोई ड्रग्स बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है। अपनी दौलत कमाने के लिए लोग किसी भी हद तक गिर गए हैं, और हम उन लोगों से अलग हैं। हम जिंदगियां बेच रहे हैं लोगों को, क्या बेच रहे हैं? जिंदगियां बेच रहे हैं। हम लोगों को बेरोजगारी से हटा रहे हैं, बेरोजगारी खत्म कर रहे हैं, हर बीमार आदमी को हम स्वस्थ कर रहे हैं, और स्वस्थ रहने का तरीका बता रहे हैं। तो मेरे दोस्त, सच के पथ पे चलोगे तो मुश्किलें तो आएंगी, लेकिन झूठ का गुब्बारा फूलता जल्दी है तो पिचकता भी जल्दी है। सच थोड़ा लेट फूलता है, पर ठोस होता है, उसको कोई पिचका नहीं सकता। आज पूरी दुनिया में ये डंके की चोट पे आप भी कह सकते हो और मैं भी कह सकता हूं कि बेस्ट आयुर्वेदिक प्रोडक्ट कोई कंपनी बनाती है तो उसका नाम है एडोलूपियल। यस और नो? भाई आप लोग प्रोडक्ट देते हो लोगों को? आमने सामने हूं, पीठ पीछे बात नहीं करता, सामने आगे बात करता हूं। क्या प्रोडक्ट में रिजल्ट है या नहीं है? रिजल्ट है या नहीं है? लोगों को फायदा है या नहीं है? हमें लोग गालियां देते हैं, दुआ देते हैं, आवाज नहीं आई, गालियां देते हैं, दुआ देते हैं। अरे दुआ के साथ दौलत आ जाए, इससे बेहतर जीवन हो नहीं सकता। मैं तो चाहूंगा, इतने सारे लोग, नए लोग भी आए होंगे, पहली बार भी कुछ लोग आए होंगे, मैं चाहूंगा अगर कोई रिजल्ट हो हमारे बीच में, कोई क्रिटिकल रिजल्ट हो, तो उठ के आए। कोई भी आए, भीड़ में से उठ के आए और बताए क्या क्या प्रॉब्लम थी, क्या तकलीफ थी, और आज वो कहां पर है, कितना ठीक है। कोई भी, मैं कहूंगा दो चार लोग आए ऐसे ईमानदार, और मैं कभी दौलत की बात करता भी नहीं। हाँ, मैं सिर्फ एक बात आपको बता के जाना चाहता हूं कि दोस्तों, हम ये काम नहीं करेंगे तो इस जीवन को जीने के लिए कोई ना कोई काम जरूर करेंगे, क्योंकि काम नहीं करेंगे तो रोटी नहीं मिलेगी। हाँ है ना? काम कोई ना कोई जरूर करेंगे, लेकिन अगर ये काम कर लेंगे तो इसके साथ साथ पैसा भी मिलेगा, दुआएं भी मिलेगी, रोटी तो मिलेगी पर पूरी घी से बढ़िया वाली मिलेगी, समझे? तो इसी काम तो करना ही पड़ेगा ना। सुबह उठ के कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नौकरी करनी पड़ेगी, खेती करनी पड़ेगी, आया ना, किसानी करनी पड़ेगी, दुकान चलानी पड़ेगी, कोई कहीं ना कहीं बिजनेस करना पड़ेगा, कुछ तो करना ही पड़ेगा। जीवन जीना है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब इस काम में क्या करना है, इस काम में क्या करना है, क्या करना है इस काम में? रॉकेट बनाना है? किसी का ऑपरेशन करना है? क्या करना है, क्या करना है? गुजराती में बात करनी है और मुलाकात करनी है, क्या प्रोडक्ट है वो समझा देना है, क्या रिजल्ट आएगा समझा देना है, और प्रोडक्ट अगर उसने आगे बेच दिया तो क्या मिलेगा समझा देना है। इतना सा काम है यार, इतना सा काम करके अगर आराम, इतना सा काम करके अगर भगवान आपको करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़ दे रहा है, तो 1 करोड़ बार उसे थैंक्स बोलो कि मैं इस लायक नहीं हूं जिस लायक तूने मुझे ऊपर वाले समझ, और थैंक यू सो मच कि तूने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया। दोस्तों, प्लेटफॉर्म में बहुत पावर होती है। हम सब में ताकत नहीं है, जितनी भी ताकत है जीवन में प्लेटफॉर्म पे होती है। मैं तो एक ही बात से सुनना चाहता हूं, ये प्लेटफॉर्म अच्छा है, बुरा है? अच्छा है, अच्छा काम है। अब इस प्लेटफॉर्म की पावर समझो, मैं यहां जितने लोग बैठे हैं, मैं सिर्फ आप सबसे एक बार पूछना चाहता हूं,
कि इनमें से ऐसा कौन आदमी है जो अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा होना चाहता नहीं हो, कुछ अच्छा होना, कुछ अच्छी जिंदगी जीना नहीं चाहता, ऐसा कौन आदमी है? कोई जीवन में कुछ अच्छा हो जाए ऐसा कोई आदमी नहीं चाहता हो? हर व्यक्ति दोस्तों, हर व्यक्ति ध्यान से सुनना, हर व्यक्ति इस दुनिया में जब रात को सोता है तो मेरे जीवन में कुछ बेहतर हो जाए ये सोच के सोता है। नौकरी वाला है तो सोचता है प्रमोशन हो जाए, खेती वाला है तो सोचता है इस बार अच्छी फसल हो जाए, किराए के घर में रहता है तो सोचता है भगवान इतना पैसा आ जाए कि मैं अपना घर बना लूं, बच्चे छोटे स्कूल में पढ़ते तो सोचता है मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े, हाँ या ना? दो कमरों का घर है तो सोचता है मैं चार कमरों का घर बना लूं, हाँ या ना? हाँ या ना? अरे यस और नो। अगर घर में बाइक है तो रोज सोचता है भगवान कोई रास्ता दे तो मैं कार खरीद लूं, हाँ या ना? क्या हर आदमी की सोच पूरी हो जाती है? हाँ, क्या हर किराएदार मकान मालिक बन जाता है? क्या हर मोटरसाइकिल वाला कार वाला बन जाता है? क्या सबके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ने लगते हैं? क्या हर आदमी अच्छा बंगला बना लेता है? तो उसमें क्या नहीं होता? क्या किसान मेहनत नहीं करता? अब आप कहोगे मेहनत नहीं करता, क्या बात करते हो यार, किसान मेहनत नहीं करता, नौकरी वाला मेहनत नहीं करता, सुबह 8 से 8, 8 से 8, 60 साल तक 8 से 8 की जिंदगी एक रोबोट की तरह जीता है? क्या नौकरी वाला मेहनत नहीं करता? क्या रिक्शा वाला मेहनत नहीं करता? क्या ऑटो वाला मेहनत नहीं करता? मेहनत कौन नहीं करता उसका नाम बताओ? अरे मेहनत से आदमी कभी बड़ा नहीं बनता, ये किताबी बातें। मेहनत मेहनत मेहनत, किसान से ज्यादा मेहनत दुनिया में, मजदूर से ज्यादा मेहनत कोई नहीं करता। मेहनत से इंसान कभी बड़ा नहीं बनता, इंसान बड़ा बनता है वो मेहनत किस प्लेटफॉर्म पे हो रही है, किस कारण के लिए हो रही है, किस विजन पे हो रही है, उस पे बड़ा बनता है।